कोटा की धरती पर मैं भारत सरकार के उद्योग, व्यापार, खाद्य आपूर्ति, कपड़ा मंत्रालय और विशेष रूप से राज्यसभा में सदन के नेता माननीय पीयूष गोयल जी का कोटा की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीयूष गोयल जी वो राजनेता है जो व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, छोटे व्यापारियों की समस्याओं को तो समझते हैं लेकिन उसका समाधान भी त्वरित गति से करते हैं। आप जब वित्त मंत्री थे, जब आपने जीएसटी के सरलीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और आज भी मेरा तो बड़ा निकट का एक भाई जैसा संबंध है। जब मैं लोकसभा में रहता हूं, आप राज्यसभा रहता हूं, तो एक दिन भी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि कोई कमी है, ऐसा मेरा संबंध है। और मैं एक बात उनकी देखता हूं, हर काम को त्वरित गति से करना, तुरंत करना और एक्यूरेसी से करना। जितने काम आपने दिए हैं आप देखेंगे एक महीने में जिनके परिणाम आ सकते हैं सबके परिणाम आएंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए जो समस्याओं को समझे, कठिनाइयों को समझे और उसका क्या समाधान हो सकता है उसका समाधान करें। और मुझे आशा है कोटा को बहुत अपेक्षाएं आपसे, हैंडलूम में, टेक्सटाइल के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपका संपर्क देश विदेश में है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जाते हैं तो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, कई देशों से आपने टीटी किए, उसके कारण हमारी इंपोर्ट करने की ताकत बढ़ी है और यहीं पे इंपोर्ट करने की ताकत के साथ यही इंडस्ट्री लगे इसके लिए उनके प्रयास रहते हैं। मुझे आशा है, हम सबकी अपेक्षा है कि कोटा देश का औद्योगिक नगर हुआ करता था और उस औद्योगिक नगर देखने के सपने हमारे भी हैं और मुझे आशा है कि आपके प्रयासों से हम इसको औद्योगिक नगर बनाएंगे, सृष्टि नगर बनाएंगे और पर्यटन का क्षेत्र के डेवलप नगर बनाएंगे। कुछ बातें थी सेक्स की जो मैंने इतना सा बता दूं, मैंने इस विषय पे राज्यसभा के राजस्थान सरकार के लेबर मिनिस्टर, उसके सेक्रेटरी को बुलाया था और मैंने आग्रह किया था कि सेस को बैक डेट से नहीं लगना चाहिए। उन्होंने वो फाइल बनाकर भेजी थी लेकिन लो सेक्रेटरी ने उसको रोक दी थी। मैंने पुनः कहा है कि इसको प्रस्ताव को आप भेजो, केंद्र से मैं इसकी स्वीकृति करा दूंगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा जरूर। जैसे गोविंद राम जी कहते हैं ना कि कब एयरपोर्ट बनेगा, कितना भी रोक लो एयरपोर्ट बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। जब जमीन अलॉटमेंट होगी, डीपीआर बन गई, सब कुछ हो गया तो आप कितने दिन रोकोगे? इसलिए जब बदलता मौसम है तो बदलने का काम करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।